हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में एक होममेड मोबाइल माउंट बना रहा हूँ। वैसे तो दोस्तों मैंने पहले ही कई सारे अलग अलग होममेड ट्राइपॉड्स बना रखा है और उन सभी मैंने अलग अलग मोबाइल माउंट भी बनाया है, लेकिन मैंने सोचा कि एक अलग सर एकदम डिटेल में बस होममेड मोबाइल माउंट की वीडियो बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और इस मोबाइल माउंट की वीडियो के लिए मैं शॉर्ट में बस इतना ही कहूंगा कि इसे मैंने स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में बनाने के साथ ही साथ एकदम कम पैसे में भी बनाया है। और ये ट्रैपॉड माउंट अच्छा होने के साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत भी है और बाकी की बहुत सारी चीजें आपको फुल वीडियो में खुद ही पता चल जाएंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब सिंपली इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटर बॉयज। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक 2 इंच डायमीटर वाले पुराने और डैमेज पीवीसी पाइप का यूज किया, जो कि आपको किसी भी कबाड़ी शॉप में 5 से 6 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और मैंने इस तरीके के पाइप का जानबूझ के इस्तेमाल किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसे बनाने के लिए आपको किसी भी नए पाइप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आप इसे पुराने पाइप से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके जगह नए पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे बीच में से कट कर देंगे सिर्फ हैक्सो ब्लेड की ही मदद से, वो भी बहुत ही आसानी से। और मैं जो ये मोबाइल माउंट बना रहा हूँ, इसे आप अपने पुराने डैमेज ट्राइपॉड माउंट या टूटे हुए ट्राइपॉड माउंट से बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि आप उस टूटे हुए माउंट के जगह पर इसे लगाकर बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको चीजें और भी ज्यादा डिटेल में समझ में आ सके, ताकि आप भी अपने लिए बहुत ही आसानी से इस तरीके का मोबाइल माउंट बना सकें। तो इसी तरीके से हम इसे एकदम अच्छे तरीके से हीट कर देंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए, और जब एकदम अच्छे तरीके से हीट होकर इस कंडीशन में आ जाएगा तब हम इसके आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे किसी फ्लैट सरफेस पर रखेंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हमें एक इस तरीके के फ्लैट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसे कि हम इसके ऊपर रख के कुछ इस तरीके से थोड़े देर के लिए होल्ड करेंगे, और थोड़ा देर तक होल्ड करने के बाद ये अपने आप ही फ्लैट हो जाएगा एकदम अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से फ्लैट हो चुका है, और जो दूसरा वाला साइड फ्लैट नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे पास फ्लैट करने वाला ऑब्जेक्ट छोटा था, तो सेम मेथड से हम फिर से इसे भी फ्लैट कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से फ्लैट हो चुका है जिस तरीके से हमें चाहिए था हमारे होममेड ट्राइपॉड माउंट के लिए। और यहाँ पे मैंने सैंडपेपर की मदद से इन तीनों साइड्स को चिकना किया है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे देखिए हम 5 सेंटीमीटर की मार्किंग कर रहे हैं। तो दोनों साइड 5 सेंटीमीटर की मार्किंग करने के बाद इसे हम आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। आप बस फुल वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने कितने ज्यादा जुगाड़ से इस होममेड मोबाइल माउंट को बनाया है। अब हम इसे कट करके बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, और आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये होममेड मोबाइल माउंट की वीडियो कैसी लगी। और हम देखिए इसके दोनों साइड 3-3 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, 3 सेंटीमीटर इधर से और 3 सेंटीमीटर उधर से, दोनों साइड से। इस तरीके से हम इसके दोनों साइड निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए जो हमने मार्किंग किया उसे अब हम सिगरेट लाइटर की मदद से हीट करेंगे कुछ इस तरीके से, और एकदम अच्छी तरीके से हम इसे हीट करेंगे, और हीट भी हम उसी पॉइंट पे करेंगे 3 सेंटीमीटर पर जिस पे हमने निशान लगाया था। और एकदम अच्छी तरीके से हीट हो जाने के बाद यहाँ पे इसे मोड़ने के लिए आप किसी भी तरीके के फ्लैट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, अब इसके नीचे मैं इस तरीके से रख के इसे मोड़ के थोड़ा देर तक होल्ड करूंगा, और देखिए बस कुछ ही सेकंड तक होल्ड करने के बाद जैसा हमें शेप चाहिए था एकदम वैसा ही शेप हमें मिल चुका है। और इसे भी हम क्लीन कर लेंगे सैंड पेपर से, और इसके दूसरे वाले साइड को भी एकदम सेम मेथड से हम मोड़ देंगे एकदम पहले वाले की तरह। और देखिए दोनों को मोड़ने के साथ ही हमारा 50% जो मोबाइल माउंट का काम है वो हो चुका है। और यहाँ पे आप देखिए जब इसे अच्छी तरीके से आप हीट करके मोड़ेंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, अगर आप अच्छी तरीके से हीट नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे हल्का हल्का आपको निशान देखने को मिलेगा उस तरीके से निशान दिखेगा, लेकिन इस निशान से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी अच्छी तरीके से हीट करके करिएगा। इन दोनों में हमें होल करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे साइकिल के तीली को मोमबत्ती से हीट किया है कुछ इस तरीके से, और अच्छी तरीके से हीट करने के बाद इसमें हम होल कर लेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूं एकदम उसी तरीके से। और ये देखिए पहला होल हो चुका है बहुत ही आसानी से, और एकदम सेम मेथड से हम दूसरे होल को भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और ये देखिए मैंने उसी फ्लैट पीवीसी पाइप से एक टुकड़ा कट किया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है।
अब हमें इस टुकड़े में भी दो एकदम सेम होल बनाने हैं। तो होल करने से पहले हम इस तरीके से इसमें मार्किंग करेंगे जिससे कि एकदम एग्जैक्ट होल बन सके, जैसा कि इसमें है। और एकदम एग्जैक्ट मार्किंग के बाद इसमें हम एकदम सेम मेथड से होल कर लेंगे। इसमें होल होने के साथ ही हम इसके दूसरे साइड भी इसी की मदद से मार्किंग करेंगे। तो इसमें मार्किंग के लिए उसी साइकिल के तीली को मैंने हल्का सा हीट करके इस तरीके से मार्किंग किया जिससे कि एकदम सटीक मार्किंग हो। तो यहां पे देखिए मार्किंग हो गई है, तो होल भी हो जाएगा सेम मेथड से और होल भी हो गया। लेकिन यहां पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पे थोड़ी गड़बड़ी होगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें जल्दी से मैं दिखा के क्लियर कर दूं। तो पहले तो देखिए ये इस तरीके से वर्क करेगा। और देखिए दो इस साइड के होल और इस साइड के दोनों होल को हमें क्या करना था, हल्का सा ऊपर करना था, लेकिन मैंने गलती से इसे नीचे कर दिया जिसकी वजह से मैं इस तरीके के नट को इसमें नहीं लगा पाऊंगा जो कि मुझे लगाना ही है। तो इसके लिए अब मैं इन दोनों होल्स को ऊपर करने वाला हूं। ये देखिए मैंने ऊपर होल करने के साथ ही नीचे वाले होल को भी बंद कर दिया है। और यहाँ पे मैं चाहता तो नए पाइप का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि आप भी ये गलती ना करें। और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी लंबाई को सेम रखा है, बस चौड़ाई को मैंने 2 सेंटीमीटर कर दिया है। और एकदम सेम मैंने इसी के डायमेंशन का एक और टुकड़ा पीछे चिपका दिया है फेविक्विक से। अब हम चलिए हमारे ट्रैपॉड माउंट्स के कुछ पार्ट्स को असेंबल करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने साइकिल के तेली का इस्तेमाल किया जिसका मैंने 2 टुकड़ा कट कर लिया है। और जिस तरीके से मैं ऐसे एकदम अच्छे तरीके से असेंबल कर रहा हूं, एकदम उसी तरीके से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो तीलियों को हम फेविक्विक से एकदम अच्छे तरीके से चिपका देंगे जिससे कि जो हमारा मेजर पोर्शन है होममेड मोबाइल माउंट का वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने सोल्डरिंग का यूज किया जिससे कि मैं इसके ऊपर गड्ढे की तरह खाचा बनाऊंगा। और इसी तरीके से करते हुए हम धीरे धीरे इसे शेप देंगे। हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोले कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत है, लेकिन दोस्तों अच्छी चीज़ बनाने में थोड़ा टाइम और मेहनत तो लगता ही है ना। हाँ, और ये कितना ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है ये आपको लास्ट में खुद ही पता चल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ना ही मैं अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा हूँ और ना ही आपका टाइम। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा जो खाचा है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम उसके बाद देखिए इस तरीके से सैंड पेपर से इसको अच्छी तरीके से रगड़ के इसे हम क्लीन करेंगे। हाँ, जितनी अच्छे तरीके से मैं इसे रगड़ के क्लीन और स्मूथ कर रहा हूँ ना, बस उतनी अच्छे तरीके से आप इस मोबाइल माउंट के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ करने के बाद जो इसका फाइनल आउटकम है ना वो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एकदम सेम उसी तरीके से इसके दूसरे साइड में किया, लेकिन जो दूसरे साइड का खाचा है ना वो देखिए मैंने थोड़ा कम ही रखा है। अब हम एक यहां पे और एक यहां पे होल करेंगे। तो यहां पे भी हमने होल करने के लिए सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जिससे कि होल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और ये दूसरा वाला भी होल एकदम सेम मेथड से हम कर देंगे। और इस तरीके से देखिए हम इन दोनों होल्स को क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के लिए यहां पे मैंने स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया है जिससे कि ये क्लीन हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने 10 नंबर के बोल्ट का यूज किया। अब मैं इसको इसके अंदर कस दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि ये जो हमने होल किया ना ये हमेशा बोल्ट के डायमीटर के बराबर हो या तो उससे कम ही रहे, तभी वो एकदम टाइट और अच्छी तरीके से वर्क करेगा। बोल्ट के डायमीटर से ज्यादा का होल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो वर्क ही नहीं करेगा। और इस तरीके से अपना हम मोबाइल फोन इस मोबाइल माउंट में लगा सकते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से जितना हमें जरूरत है उतना इसे हम टाइट कर सकते हैं और इस मोबाइल फोन को फिक्स कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आप इस ट्रैपॉड माउंट का लुक देखिए, ये कितना ज्यादा मजेदार है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि ये निकलता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आएगा ड्रॉप टेस्ट जिसमें कि ये पास हो चुका है। तो चलिए अब कुछ और टेस्ट करते हैं जिन सभी में ये हमारा ट्रैपॉड माउंट एकदम अच्छी तरीके से पास हुआ और आप फोन को उतनी ही आसानी से निकाल लेंगे जितनी आसानी से आपने लगाया था। तो चलिए अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि इस बोल्ट के ऊपर जो पकड़ने वाला लगा है उसको मैंने कैसे बनाया। और उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने 10 नंबर का बोल्ट और एमसील यूज किया है। अब हम इस एमसील के मिक्सचर को इस बोल्ट के हेड पे लगा देंगे एकदम अच्छी तरीके से। जिस शेप में आपको चाहिए आप उस शेप में इसे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डिजाइन का मतलब ये है कि आपको ये जिस शेप में चाहिए उस शेप में लगा कर इसे आप सूखने के लिए छोड़ दीजिए और ये उसी शेप में तैयार हो जाएगा। और देखिए हमें ऐसा शेप चाहिए था तो ये शेप हमारा तैयार हो चुका है। हम इसे सेट होने के लिए कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए मेरे पास एक पुराना ट्रैपॉड पड़ा था जिसमें कि मैं उस मोबाइल माउंट को लगाने वाला हूँ।
हालांकि मैं इस ट्रैपॉड का यूज कभी नहीं करता क्योंकि मैंने इससे भी बढ़िया बढ़िया एडवांस्ड और अपग्रेडेड कई सारे ट्रैपॉड बना रखे हैं, तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों करूं जब मेरे पास एडवांस्ड होममेड ट्रैपॉड्स हैं। तो इस तरीके से आप इस ट्रैपॉड माउंट को अपने किसी भी ट्रैपॉड में फिक्स कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जिसका ट्रैपॉड माउंट नहीं है या टूट चुका है। और मैं अपने सभी होममेड ट्रैपॉड्स का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये देखिए हमारा होममेड मोबाइल माउंट इस ट्रैपॉड में एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो गया और ये कितना बढ़िया लग रहा है और ये एकदम एग्जैक्ट फिट भी हुआ है। तो देखिए मोबाइल फोन को भी एकदम सेम उसी तरीके से लगा देंगे जैसा कि हमने पहले लगाया था। अब चलिए मैं आपको इसको कुछ एंगल्स पे घुमा के दिखा देता हूं कि आपको ये पता चले कि ये बढ़िया ही नहीं कितना ज्यादा बढ़िया वर्क कर रहा है। और एक बात और कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी या इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हो ना तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल से ना भूले, ताकि आप हमारे चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस।